राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक लाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के नर्सिंग स्कूल में स्पर्श कुष्ठ निवारण जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक सुभाष ठाकुर ने कुष्ठ रोग जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नर्सिंग स्कूल की छात्राओं ने बैनर तथा नारों के माध्यम से चेतना चौक तक लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक किया। विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, बशर्ते इसे समय पर उपचार शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग के प्रति लोगों में अनेकों सामाजिक भ्रांतियां हैं, जिसके बारे में लोगों को जागरूकता करने की आवश्यक है तथा लोग इस देवी देवताओं का अभिशाप या पापों का फल ना मानकर इसका उपचार करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग का शीघ्र उपचार करवाने से शरीर से अपंगता नहीं आती है। उन्होंने बताया कि नियमित रूप से इलाज करवाने पर 6 माह से लेकर 1 वर्ष के भीतर वे रोग मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कुष्ठ रोग का इलाज सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क होता है। हमारी एमईआईओ रोमा जी ने बताया कि इस दिन की महत्ता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोग के जो रोगी हैं उनकी सेवा में, उनकी चिकित्सा में, उनकी देखभाल में बिताया। इसलिए हम आज उनकी इस पुण्यतिथि में इस दिन को कुष्ठ रोग निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं। हर साल ये दिवस मनाया जाता है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और विश्व में भी 27 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारतवर्ष में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि में उनके बलिदान दिवस पे ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। भारतवर्ष में भी इस कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा गया है। तो जैसे कि सभी के सहयोग से सभी विभागों के तालमेल से विभिन्न सरकारों के मार्गदर्शन में हमने अपने देश से स्मॉल पॉक्स को, पोलियो को खत्म किया है, वैसे ही हम भविष्य में इस बीमारी को भी खत्म कर पाएंगे। 2030 से पहले शायद हम इस बीमारी को खत्म कर पाए अगर सभी का सहयोग मिलेगा और हम सभी इसे मिलजुल के काम करेंगे। कोई समय था, जैसे कि यहाँ कहा गया, कोई समय था जब किसी को कोई श्राप देना हो, किसी को कोई गाली देनी है तो यही कहते थे कि तुझे कोढ़ हो जाए। हिंदी में लेप्रोसी कोढ़ ही कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं। तो ये गाली दी जाती थी या श्राप दिया जाता था, वो इसलिए क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था और एक लंबी बीमारी थी और इससे डिसेबिलिटी जो है वो विकृतियाँ जो हैं शरीर में हो जाती थी, चेहरे पे, हाथों में, पैरों में, खासकर चेहरे से जो मनुष्य जो विकृत हो जाता था, उसकी डिस्फिगरेशन हो जाती थी, उसकी शक्ल खराबी हो जाती थी, लोग उसको लेके डरते थे। और क्योंकि लगता ये था कि ये बीमारी लाइलाज है और इस व्यक्ति से हमें भी ये बीमारी हो सकती है, तो उसको अपने घर से निकाल देते थे, उससे उस गांव से निकाल देते थे, उस समाज से निकाल देते थे और बेचारा कहीं बाहर गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे या कहीं खुली जगह पे वो अपना बेसहारा जो जीवन यापन करता था। सीएमओ डॉक्टर बीके चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला में इस समय मात्र 4 कुष्ठ रोगी हैं जिनका स्वास्थ्य उपचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर लोगों को जागरूक करने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है तथा अस्पताल में लोगों को कुष्ठ रोग के प्रति फैली भ्रांतियों और लक्षणों तथा उपचार व सावधानियों के अतिरिक्त निदान व उपचार केंद्रों के बारे में भी जानकारी दी जाती है।